जैसे कि आपने हमें आज इसका इलेक्शन क्रिएट किया, उसमें आपने हमें बताया कि हर बंदे का इन्फ्लुएंस बनना जरूरी नहीं है, हर बंदा अपने आप में एक इन्फ्लुएंस है, बस उसको अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने आप के अंदर की एक खूबी पहचाननी चाहिए। तो लोगों को हमारा ये मैसेज होना चाहिए कि हम उनको बोलें कि आप पहले अपने अंदर पहचानो कि आपके अंदर है क्या, ठीक है, उसके बाद आप उस फील्ड में अपना मारो, ठीक है, जो आप करना चाहते हो अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर खूबी है, ठीक है, फिर उसके बाद आप उस फील्ड में पावर रखो जिसमें आप इंटरेस्ट है आपका, आप इसमें कामयाब हो सकते हो। जी हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें एक छोटी सी और चीज़ इजाफा करना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का भी रिवाज नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लाइफ कोच, बाहर के मुल्कों में अमेरिका, यूके, यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लाइफ कोच क्या होते हैं? बेसिकली आपको एक लाइफ कोच की ज़रूरत है, एक कोचिंग इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। क्रिकेट टीम है, बड़े से बड़े खिलाड़ी, अपनी फील्ड के माहिर तरीन लोग, लेकिन लाखों डॉलर सैलरी देके एक बंदा उनके ऊपर रखा जाता है जिसे कोच कहा जाता है। वो कोच ही है जो आपके अंदर की इस छुपी हुई सलाहियत को सामने लेके आए। तो हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में एक कोच जरूर ढूंढे अगर वो कुछ करना चाहता है, अपने आप को मनवाना चाहता है। जैसे कि हमारे साथ उन्होंने बताया कि हमें अपनी लाइफ में कोच की बहुत सारी जरूरत है जो हमें आगे जा करेंगे, तो हर बंदे को मेरा ये मैसेज है कि वो अपने लिए कोच जरूर ढूंढे जो उसको लाइफ में एक अच्छी गाइडेंस दे, जो बता सके कि आपको लाइफ में करना क्या चाहिए, आपके अंदर को भी क्या आप क्या कर सकते हो, आगे लाइफ में किस चीज़ में बढ़ सकते हो। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज आप तक रोजाना पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगली।